प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है। इस योजना के तहत हर शहर में 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है। इस योजना को 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना से अर्बन हाउसिंग की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर हर देशवासी को गर्व होगा कि विकास को गति देने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जाने इस योजना के बारे में। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उनमें त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम, कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि निर्माण की अवधि और लागत कम हो जाती है, इसलिए प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। कितना है एरिया? इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कारपेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर होगा। इसके तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे। कुल 1040 फ्लैट तैयार होंगे। हर फ्लैट 415 वर्ग फुट का होगा। जानकारी के मुताबिक घरों की कीमत 12,59,000 रुपए होगी, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7,83,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। बाकी 4,76,000 रुपए लाभार्थियों को देने होंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार होगा। कब तक पूरा होगा यह प्रोजेक्ट? नई तकनीक के प्रयोग के कारण निर्माण कार्य करीब 1 साल में पूरा हो सकेगा। प्री फैब्रिकेटेड चीजों के प्रयोग से निर्माण ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होगा। लखनऊ में प्रोजेक्ट को लेकर यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में किया जा रहा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 6 स्थानों को चुनने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था। मंत्रालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया था। मानकों के मुताबिक सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।